चलिए दोस्तों, मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा दिया और समझाया कि डिटरमिनर क्या होते हैं और कैसे आते हैं। तो अब मैं आपके सामने लेके आया हूँ कुछ क्वेश्चंस। तो एक बार आप इस पीडीएफ को खुद प्रैक्टिस कीजिएगा वीडियो देखने से पहले, फिर मैं कराता हूँ आपको सॉल्यूशन, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन क्या रहेंगे। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन ये रहा, आप देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डेमोन्स्ट्रेटिव और पजेसिव डिटरमिनर। ये कुछ मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव और कुछ पजेसिव डिटरमिनर दिए, आपको इनके साथ ये फिलअप्स को फिल करना है। तो क्वेश्चन है पहला, ही इज अ गुड बॉय, फिलअप्स, हिज फादर इज ए डॉक्टर। तो आपको यहां पर या तो दिस या दैट, दीज या दोज, माई, आर, योर, हिज, हर, देयर या वंस में से किसी एक को फिल करना है। ऑप्शन आपके पास यही है। तो देखिए, यहां ही की बात हो रही है, तो ही का पजेसिव केस क्या होता है? ही का पजेसिव डिटरमिनर क्या होता है? हिज। तो यहां पर क्या आएगा? हिज फादर, कि वो एक अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय एंड हिज फादर इज अ डॉक्टर, उसके पिताजी जो है एक अच्छे डॉक्टर है। ठीक है, सेकंड पे आइए। नंबर सेकंड, अदिति वॉन्ट्स मी टू लैंड हर डैश कार। ठीक है, अदिति चाहती है कि वो मुझे मुझसे उधार ले। क्या देखते हैं वो, कि अदिति वॉन्ट्स मी टू लैंड हर, अब देखो हर भी आया है, दिस कार आ जाए कि मैं उसको उधार दूं क्या, अपनी कार है ना, अब मुझसे चाहती है। तो यहां पर मी की बात हो रही है, तो यहां क्या आ जाएगा? माय कार, कि मैं उसे अपनी कार को उधार कुछ दिन के लिए दे दूं चलाने के लिए, यूज करने के लिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा? माय आ जाएगा। अब चलते हैं नंबर थर्ड पे, ऑल डैश मैंगोज आर रोटन। अब देखिए यहां पर, यहां जो मैंगोज है वो प्लूरल है, जब प्लूरल है तो दिस और दैट तो आएगा नहीं, आएगा दिस और दूज। ठीक है, अब यहां पर आपको टेंस देखना पड़ेगा, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट, और जब प्रेजेंट टेंस है तो क्या आएगा मेरे भाई? दीज आएगा। क्या आएगा? दीज, क्योंकि दोज तो आप पास्ट में प्रेफरेंस दोगे, तो इसलिए यहां पर आएगा आपका दीज, कि ऑल दीज मैंगोज आर रोटन। देखिए यहां पर और भी ऑप्शन पॉसिबल हैं, लेकिन फिलअप्स में आपको जो दिया गया है इनमें से ही आपको फिलअप्स करना है। इन जो वर्ड दिए गए हैं यहां से, ये इनमें से ही आपको फिलअप्स करना था, इसलिए मैंने ये ऑप्शन रखे हैं। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन ध्यान रखने हैं। आप देख, मैंने बताया था आपको दिस और दैट में डिफरेंस क्या होता है, दिस प्रेजेंट है और दैट आपका पास्ट है, ऐसे ही दिस जो है वो प्रेजेंट है और दैट जो है वो आपका पास्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। एक बार आप फटाफट देखिएगा, आंसर निकालिएगा कि फोर्थ का आंसर क्या बनेगा। द चाइल्ड हैज ब्रोकन डैश टॉय, द चाइल्ड हैज ब्रोकन डैश टॉय। अब देखिए यहां चाइल्ड जो है वो सिंगुलर है, और मैंने कहा था कुछ भी सिंगुलर हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वहां आपको हिज लगाना है। अब देखिए आप है ना, कुछ जगह आपने पढ़ा होगा चाइल्ड के लिए हम इट यूज करते हैं, है ना, तो चाइल्ड के लिए इट यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपके पास इट वाला ऑप्शन नहीं है, जैसे यहाँ पर इट्स वाला ऑप्शन है ही नहीं, अगर यहाँ इट्स ऑप्शन होता तो आप उसे प्रेफरेंस दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर इट्स आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए जब मुझे जेंडर का ना पता हो मैं उसको मेल ही मानूंगा, और चूंकि ये सिंगुलर है, मेल है, सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा? हिज। तो यहां पर क्या आ गया? हिज, ये आपने हिज लगा दिया। अब फिफ्थ पे आइए, वुड यू लाइक बुक और वुड यू हैव टू लाइक। यहां पर फिलअप्स है दोस्तों, ये मिस प्रिंट है, टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा देख लीजिएगा। यहां पर भी फिलअप्स है और यहां पर भी फिलअप्स है, दो फिलअप्स आपको दिए गए हैं, एक यहां पर और एक बुक से पहले, दिस बुक और दैट वन। क्या आप ये वाली बुक चाहते हो, दिस बुक और दैट वन, या वो वाली? देखिए पहले आपने दिस यूज किया और दैट उसके लिए, इसके लिए दिस और उसके लिए दैट। अब मैंने यहां दिस और दैट ही क्यों यूज किया, दिस और दोज क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि यहां पर जो बुक है वो क्या है? सिंगुलर है। तो जब आपका नाउन सिंगुलर होता है तो आप दिस या दैट यूज करते हो, दिस या दोज का यूज नहीं करते। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आर देयर एनी गर्ल्स इन, अब देखिए यहां पर उसने डैश छोड़ दिया। ऑप्शन देखिए, आप यहां पर हिज तो लगा नहीं सकते, हर नहीं लगा सकते, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? दिस या दीज, दोज या दैट वाला ऑप्शन। अब चूंकि आपका प्रेजेंट टेंस है और नाउन सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन में? दिस आ जाएगा। तो सिक्स क्वेश्चन का आंसर आपका होगा दिस। ठीक है, आया समझ कि दिस आंसर क्यों हुआ? क्योंकि आपकी जो वर्ब है वो प्रेजेंट में है, यानी प्रेजेंट टेंस आपको प्रेफरेंस देनी है, तो प्रेजेंट में सिंगुलर के लिए हम दिस लगाएंगे, अगर यही चीज पास्ट में होती तो हम सिंगुलर के लिए दैट का यूज करते। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट वाज डैश
नॉइस। अब देखिए यहां पर वही नॉइस क्या है, अनकाउंटेबल है, हम सिंगुलर काउंट करते हैं। अब जब सिंगुलर काउंट करते हैं और टेंस कौन सा है, पास्ट है ना, टेंस पास्ट हो गया, तो आप क्या यूज करोगे यहां पर, फिर दैट यूज करोगे। क्या यूज करोगे, दैट। तो यहां आएगा वॉट वॉज दैट नॉइस, वॉट वॉज दैट नॉइस। समझ गए, सिंपल है, क्लियर है। प्रेजेंट में या दीज और पास्ट में दैट या दोज को ध्यान रखना है। देखिए अगर आप इन चीजों को ऐसे याद करते हो कि पास वाले के लिए, मान लो ये यहां पर कोई बंदा खड़ा है, देखिए आपने शायद ये पढ़ा होगा कि यहां ए कोई बंदा है वो स्टैंड किए हुए खड़ा हुआ है। अब एक कोई बी कार है, ठीक है, और एक सी कार है। अगर मैं इस बंदे को कहूं, या इसको ऐसे ले लीजिए, ए कार यहां पर है, इसको ऐसा समझिएगा, आपने ये पढ़ा हुआ था कि ये कार ए यहां पर है और बी कार यहां पर है। तो हम ये पढ़ते हैं बचपन में कि अगर ये कार मेरे पास में है तो दिस लगाएंगे, और मुझसे दूर है तो क्या लगाएंगे, दैट। तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट सही है जब जब अगर आपको पता है कि पास है या दूर है। लेकिन जब देखिए क्वेश्चन, यहां पर देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप बता नहीं पाओगे कि नॉइस पास वाली थी या दूर वाली थी। तो इस केस में आपको टेंस को प्रेफरेंस देनी होगी कि प्रेजेंट में आप दिस या दिस लगाओगे और पास्ट में आप दैट या दोज लगाओगे। समझ गए ना। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि ये कार्स होती, बहुत सारी कार्स होती, तो आप इनके लिए जो पास में है उनके लिए दीज और जो बाहर दूर है उनके लिए दोज यूज करते हो। बिल्कुल सही है, पास वाले के लिए सिंगुलर है तो दिस और प्लूरल है तो दीज, ऐसे ही दूर वाले के लिए अगर सिंगुलर है तो दैट और प्लूरल है तो दोज का यूज करते हैं। लेकिन जब आपको पता हो कि वो पास है या दूर है, अगर आपको ये कंफर्म ही नहीं है कि वो पास है या दूर है, तो उस केस में आपको टेंस को प्रेफरेंस देनी है। प्रेजेंट में मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, प्रेजेंट में दिस या दीज और पास में मेरे भाई दैट या दूज। समझ गए ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कि द गार्डनर वाटर्स डैश प्लांट्स एवरी डे, ठीक है। अब देखिए प्लांट्स आपका जो नाउन है वो क्या है, प्लूरल है, तो आपको प्लूरल नाउन से पहले यूज करना है। टेंस कौन सा है, वॉटर्स, एस आई एस फॉर्म दी हुई है वर्ब की, तो टेंस कौन सा हो गया आपका, प्रेजेंट टेंस हो गया। तो जब प्रेजेंट टेंस है और आपको प्लूरल में यूज करना है तो आप क्या ऑप्शन दोगे, दीज, ठीक है, क्या ऑप्शन दोगे, दीज, तो यहां पर आ जाएगा दीज। चलिए नंबर 9th पे आते हैं, डैश बॉयज विल सून ज्वाइन अस। अब देखो यहां पर टेंस तो फ्यूचर है, तो अगर प्रेजेंट या फ्यूचर है तो दिस या दीज, पास्ट में केवल दैट या दोज, तो आपको यहां पर भी दीज ही यूज करना है कि दीज बॉयज विल सून ज्वाइन अस, ठीक है, दीज बॉयज विल ज्वाइन सून अस, ठीक है, प्रेजेंट में या फ्यूचर में दिस इज और पास्ट में दैट या दोज। अब देखिए हु इज दिस फेलो, प्रेजेंट है तो दिस, अगर यहां पर दिस ऑप्शन में ना होता तो ये कंफ्यूज मत होना कि मान लीजिए दिस ऑप्शन में नहीं है दैट ऑप्शन में है, तो दैट भी सही है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपको दिस को ही प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपको दिस को ही प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। तो यहां पर आएगा हु इज दिस फेलो या हु इज दैट फेलो भी सही था, अगर आपको पता होता कि वो आपसे दूर खड़ा है तब, या फिर दिस ऑप्शन में नहीं होता तब आप दैट का यूज करते। फिलहाल तो यहां पर दिस बिल्कुल करेक्ट है, ये सिंपल क्वेश्चन थे। अब अगले स्टेज पे आते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। आप जो पीडीएफ आपके पास है वहां से क्वेश्चन लगाइए, इतने मैं क्वेश्चन को सेट करता हूँ, फिर मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भी बताऊंगा, समझाऊंगा, आपको भी एक बार ट्राई करना है, उसके बाद मैं फिर समझाऊंगा सारे क्वेश्चंस आपको। तो आप भी देखते रहिए, अपने क्वेश्चंस के आंसर आप मैच कीजिएगा कितने आपके सही कितने गलत। यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है विद न्यूमेरिकल डिटरमिनर्स, न्यूमेरिकल या वो न्यूमेरिकल हो या क्वांटिफायर्स हो, इन दोनों में से किसी भी डिटरमिनर के साथ आपको यहाँ फिलअप्स को फिल करना है। आप याद कीजिए मैंने समझाया था कौन सा डिटरमिनर न्यूमेरिकल है और कौन सा क्वांटिफायर्स है, जो काउंटेबल नाउन के लिए आएगा, जिसको आप काउंट कर सकते हो वो न्यूमेरिकल है, और जिसको आप काउंट नहीं कर सकते वो क्वांटिफायर्स है। जैसे मच और मैनी में डिफरेंस समझाया था ना मेरे भाई, मच किसके लिए आता है, अनकाउंटेबल के लिए, और मैनी काउंटेबल के लिए। इसी प्रकार लिटिल अनकाउंटेबल के लिए और फ्यू काउंटेबल के लिए, वही सारी चीजें हैं। आपको ऑप्शन दिए गए यहां पर, आपको वन टू सम एनी लिटिल फ्यू ऑल बोथ मच मैनी और सेवर का यूज करना है। देखिए
वन मतलब एक है, सम और एनी का मैंने बताया था आपको, सम और एनी जो है काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए आते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम दो की बात कर रहे हैं तो आप बोथ का यूज करोगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, हाउ डज मनी डू यू वॉन्ट। अब यहां पर आपको मनी वर्ड दिया गया है, और मनी क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। मनी ध्यान रखिएगा अनकाउंटेबल होता है, रुपीज जो है वो काउंटेबल होता है। मनी क्या होता है, अनकाउंटेबल। रुपीज क्या होता है, काउंटेबल। तो यहां पर आपको मनी वर्ड दिया गया है, अनकाउंटेबल है, तो आंसर आपका क्या बनेगा, मच। चेक कीजिएगा आपका सही या गलत। अगर किसी ने मैनी लगाया है तो मेरे भाई गलत है, क्योंकि मैनी काउंटेबल के लिए आता है और मच जो है वो अनकाउंटेबल के लिए, और मनी जो है हमेशा अनकाउंटेबल होता है। हालांकि आप एक बात इसमें और भी याद कर सकते हो, समझाया था मैंने आपको कि रुपीज अगर वो आपको दे तो ये काउंटेबल है ना, और अगर मनी की बात करें तो ये अनकाउंटेबल होता है। अब एक बात और कि मनीज वर्ड यानी इसका प्लुरल होता है, इसका प्लूरल होता है, ऐसा नहीं कि प्लूरल नहीं होता है। जब अनकाउंटेबल है तो प्लूरल कैसे हुआ, तो मनीज वर्ड है लेकिन इसका डिफरेंट मीनिंग आता है। क्या, जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ रुपये हैं, ठीक है, और मेरे पास कुछ डॉलर्स हैं, मेरे पास कुछ युआन है, दिनार है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ करेंसीज हैं, तो उसको हम मनीज बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ करेंसीज इज कॉल्ड मनीज, उसी को आप क्या बोलते हो, मनीज बोलते हो। जो अलग अलग टाइप की जो करेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मनी बोलते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आते हैं क्वेश्चन पे वापस। तो पहले में क्या आएगा, मच आएगा, सेकंड पे आइए, हैव यू रीड स्टोरीज। अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन पॉसिबल हैं, स्टोरीज क्योंकि काउंटेबल है तो आप यहाँ मैनी भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो मैंने समझाया था आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप एनी का यूज भी कर सकते हो, कि हैव यू रीड एनी स्टोरीज। लेकिन अब एक बात देखिए, एनी के बाद क्या आएगा, सिंगुलर होना चाहिए, तो इसलिए आप यहां पर मैनी का ही यूज करोगे, ठीक है, या सम का यूज करोगे, क्योंकि सम जो है वो प्लूरल के लिए आ सकता है, तो आप यहां पर सम का यूज भी कर सकते हो, या एनी का यूज अगर ये सिंगुलर होता तो हो जाता, लेकिन इसलिए आपको यहां पर एक ही आंसर देना पड़ेगा, केवल मैनी। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, आई हैव रीड मैनी शॉर्ट स्टोरीज। स्टोरीज की स्पेलिंग थोड़ा गलत कर दिया भाई ने, टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। स्टोरीज की स्पेलिंग STORIES। अब देखो यहां पर स्टोरीज क्या है, काउंटेबल है, काउंटेबल है तो यहां क्या लगाना पड़ेगा आपको, मैनी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, मैनी इन हिंदी, बट ओनली, देखो मैंने है ना काफी सारी स्टोरीज पढ़ी हैं, कहां पर, हिंदी में, आई हैव रीड मैनी शॉर्ट स्टोरीज इन हिंदी बट ओनली फ्यू इन इंग्लिश। फ्यू लगाओगे लेकिन कुछ ही ऐसी हैं जो इंग्लिश में पढ़ी, ठीक है ना। देखो इसका अपोजिट बनेगा ना, क्यों बनेगा, क्योंकि यहां पर बट आया हुआ है। बट कंजंक्शन क्या कहती है, कि कॉन्ट्राडिक्शन बनाओ, तो मैनी का कॉन्ट्राडिक्शन किसके साथ बनेगा, ज्यादा का कम के साथ, तो कम के लिए आप क्या लगाओगे, फ्यू। कम के लिए आप क्या लगाओगे, फ्यू। मैनी जो है वो ज्यादा के लिए आता है। अब बात यह है कि मैंने फ्यू लगाया, ए फ्यू नहीं लगाया, है ना। देखो क्योंकि बट ये भी कहता है कि अगर आपने पहले मुझसे पॉजिटिव लिया है तो बाद में आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, मतलब यहां आपको नेगेटिव मीनिंग लेना है, और अगर नेगेटिव मीनिंग लेना है तो क्या आएगा, फ्यू। अगर पॉजिटिव मीनिंग लेना होता तो क्या सेंटेंस में आता, आपका आंसर ए फ्यू आता, ठीक है, समझ गए ना। अनकाउंटेबल होता तो लिटिल या ए लिटिल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट नंबर 4, आई रीड द लेटर अगेन एंड नोटिस दैट देयर वर डैश मैनी मिस्टेक्स। सॉरी मैनी आएगा क्यों, क्योंकि यहां पर मिस्टेक्स दिया है, काउंटेबल है, और जहां भी काउंटेबल है वहां क्या लगाते रहो आप, मैनी या सम। पॉजिटिव है तो सम, और नेगेटिव है तो आप एनी का यूज कर सकते हो, अनकाउंटेबल के लिए या सिंगुलर के लिए। चलिए नेक्स्ट नंबर 5, हाउ डैश मिल्क। अब देखिए मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल, तो क्या आएगा, मच। हाउ मच मिल्क डू यू टेक एवरी डे, आप कितना दूध डेली पीते हो, तो फिफ्थ का आंसर आएगा मच। अनकाउंटेबल के लिए मच, और काउंटेबल के लिए मैनी का यूज करोगे। नंबर है, देयर आर डेस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब देखो कंट्रीज आ गया वापस, कंट्रीज क्या है, बोलिए कंट्रीज क्या है,
काउंटेबल है, प्लूरल है, तो आप यहाँ मैनी लगा दीजिए, और अगर आपको मीनिंग देना है कुछ का तो आप सम का यूज भी कर सकते हैं, तो मैनी भी आता है और सम भी, दोनों का मतलब मीनिंग जो है डिफरेंस रहेगा। ऐसा नहीं होगा कभी भी क्वेश्चन के अंदर कि मैनी भी ऑप्शन में हो और सम भी ऑप्शन में हो, या तो मैनी ही होगा या सम का ही यूज किया गया होगा, ऑप्शन या तो मैनी से दिया गया होगा या सम से दिया गया होगा, कोई सा एक ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर आएगा मैनी या सम में जो भी आपको ऑप्शन दिया गया हो वही आपका आंसर है, कि देयर आर मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर पॉपुलेशन इज नॉट ग्रोइंग फास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वुड यू लैंड मी योर वॉच फोर डैश डेज। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि सम को हम पॉजिटिव में यूज करते हैं, एनी को हम नेगेटिव में यूज करते हैं। पॉजिटिव में सम और एनी जो है वो नेगेटिव में, और अगर क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो वहां भी एनी। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर कहीं पर रिक्वेस्ट की गई है, क्या की गई है, रिक्वेस्ट, तो वहां फिर चाहे भले ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, सेंटेंस को आपने वुड से स्टार्ट किया है, तो वहां पर आपको सम को ही यूज करना पड़ेगा। ये पॉइंट एक बार आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, कि जहां भी रिक्वेस्ट की गई होगी, जहां भी पोलाइट रिक्वेस्ट की गई होगी, वहां आपको इंट्रोगेटिव में या वुड के साथ सेंटेंस स्टार्ट दिया गया होगा, तब भी सम का ही यूज करना है। इसलिए यहां पर आएगा सम डेज। वुड यू लैंड मी योर वॉच फॉर सम डेज। क्या आप कुछ दिन के लिए मुझे अपनी घड़ी को उधार दोगे? ठीक है, चलिए नंबर 8 पे आते हैं। डू यू हैव एनी कंप्लेन। देखो रिक्वेस्ट तो हो नहीं रही, क्वेश्चन मार्क है, तो एनी है। जनरल सेंस में अगर आपने सेंटेंस लिया है जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो वहां पर आप एनी का यूज करोगे, लेकिन अगर आपने पोलाइट रिक्वेस्ट की है मेरे भाई, तो वहां पर सम का यूज होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देयर आर डैश एग्स इन द बास्केट बट देयर इजंट डैश बटर। देखिए देयर आर एग्स क्या है, काउंटेबल है, चाहो तो आप सम लगा दो, चाहो तो आप मैनी लगा दो, क्योंकि पॉजिटिव सेंस है तो सम भी आ सकता है और एनी भी आ सकता, मैनी भी आ सकता है। लेकिन लास्ट में आइए, देयर इजंट नेगेटिव बन गया, और जहां नेगेटिव है और बटर अनकाउंटेबल है, तो नेगेटिव अनकाउंटेबल है तो क्या लगाओगे, एनी। तो यानी पहले फिलअप्स में मैनी या सम आएगा और दूसरे फिलअप्स में आपको एनी लगाना पड़ेगा। सेंटेंस बनेगा देयर आर मैनी एग्स इन द बास्केट बट देयर इजंट एनी बटर। बहुत सारे अंडे तो हैं लेकिन बटर नहीं है, समझ गए ना। जब भी पॉजिटिव है तो सम लगाइए, और नेगेटिव में आपको क्या लगाना है, अनकाउंटेबल के साथ एनी। बहुत सही है, चलिए आगे आपको समझ में आ गया होगा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश केयर कुड हैव प्रिवेंटेड द एक्सीडेंट। क्वेश्चन अच्छा है। अब देखिए यहां पर केयर है अनकाउंटेबल नाउन, अब जरा सोचिए यहां पर क्या लगाएंगे हम, सम केयर पॉसिबल नहीं है, एनी केयर पॉसिबल नहीं है, मैनी तो ऐसे ही नहीं आएगा, बोथ वन टू ऐसे ही नहीं आएंगे, सेवरल भी नहीं आएगा, वो भी काउंटेबल है, वो भी न्यूमेरिकल से। अनकाउंटेबल के लिए क्या आता है, लिटिल आता है, तो आपको लिटिल वाला ऑप्शन लगाना है। अब या तो यहां पर लिटिल आएगा, या यहां पर ए लिटिल आएगा, या यहां पर द लिटिल आएगा, तो वो डिफरेंस तीनों में क्या होता है, मैंने समझाया था आपको कि अगर मीनिंग नेगेटिव लेना है तो लिटिल लगाएंगे, और अगर मीनिंग पॉजिटिव लेना है मेरे भाई तो क्या लगाएंगे, ए लिटिल। और इसी प्रकार अगर मीनिंग आपको, अगर इसी प्रकार मीनिंग आपको डिफाइन करके लेना है तो क्या लगाएंगे, द लिटिल। चलिए देखते हैं, तो क्या यहाँ पर डिफाइन है, क्या कितनी केयर की बात हो रही, किस केयर की बात हो रही है, पता है नहीं पता है, तो डिफाइन तो है नहीं। अब मीनिंग पॉजिटिव लेंगे जब तक वो आपको नेगेटिव ना कहे, और मीनिंग पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ए लिटिल, क्या आएगा, ए लिटिल। अगर मीनिंग नेगेटिव लेना होता तो यहां पर आता लिटिल। चलिए नंबर 11 पे आते हैं। डैश ऑफ द बॉयज हैज ब्रोकन दिस विंडो पेन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर क्या लगाओगे आप, अगर मैनी लगाओगे तो यहां पर हैव आना चाहिए था, अगर आप मैनी लगाओगे तो यहां पर क्या आएगा, हैव था, कि मैनी ऑफ द बॉयज। सम लगाओगे तो भी हैव आना चाहिए था, टू लगाओगे तो भी हैव आना चाहिए था, है ना, फ्यू लगाओगे तो भी हैव आना चाहिए था। अब बताइए क्या करेंगे, तो यहां पर आएगा वन, कि वन ऑफ द बॉयज, ठीक है ना, क्योंकि
क्योंकि आपको वर्ब सिंगुलर दी गई है, और वर्ब सिंगुलर तभी पॉसिबल है जब आपके सेंटेंस का जो मेन सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो। और सिंगुलर क्या है? वन है, टू तो प्लूरल है, सेवरल प्लूरल है, मैनी प्लूरल है, ये सारे प्लूरल ही तो हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचेगा, वन। चलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा था, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर वन लगाने का पर्पज सिर्फ एक ही है, क्योंकि आपको यहाँ पर जो वर्ब है वो सिंगुलर दी गई है। अगर यहाँ पर वर्ब प्लूरल होती तो यहाँ पर आप मैनी या सम या ए फ्यू का यूज कर सकते थे, लेकिन चूंकि वर्ब सिंगुलर दी गई है तो आपको सब्जेक्ट भी सिंगुलर ही यूज करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर आपको ए लगाना पड़ेगा। चलिए नंबर 12 पे आते हैं। आई हैव ऑलरेडी स्पेंट द डैश रुपीज यू गेव मी। आई हैव ऑलरेडी स्पेंट द डैश रुपीज यू गेव मी। देखिए रुपीज कौन से जो आपने मुझे दिए थे, डिफाइन हो रहा है ना, रुपीज कौन से जो आपने मुझे दिए थे, ठीक है। अब जब रुपीज आपने जो दिए थे वो डिफाइन हो रहे हैं तो सोचिए क्या लगाओगे, और प्लूरल भी है, दा दा ऑलरेडी उसने दिया हुआ है, बस तो दा दिया हुआ तो फ्यू लगा दो, और क्या सोचना है इसमें, दा तो उसने आपको दे ही दिया, ठीक है, दा उसने ऑलरेडी दे ही दिया, हालांकि दा देना नहीं चाहिए था उसको, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है। तो द फ्यू रुपीज यू गेव मी, यहां पर आएगा द फ्यू रुपीज यू गेव मी, ठीक है, डिफाइन है, और डिफाइन है कि कौन से पैसे की बात हो रही है जो आपने मुझे दिए थे, उनकी बात हो रही है, डिफाइन हो गया। और अगर चूंकि डिफाइन हो गया तो आपको द फ्यू का ही यूज करना पड़ेगा। डेस्ट नेक्स्ट आते हैं नंबर 13 में, द हस्बैंड एंड वाइफ आर। अब सोचिए सम आ जाएगा यहां, कि सम हस्बैंड पॉसिबल नहीं है, क्या आंसर लगाएंगे, बोथ, क्या आएगा, बोथ, दो है ना, एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, अब दोनों ही साथ में हैं, इसलिए आपने वर्ब कैसी यूज की है, आर, है ना, इसलिए क्या यूज किया आपने, आर, ठीक है। अगर आप ऑल लगाते तो हस्बैंड होना चाहिए था, है ना, वो बहुत सारों के लिए आता है, दो के लिए क्या आता है, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। तो अगर आप ईच लगाते तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर, ईच या एवरी लगाओगे तो वर्ब सिंगुलर आएगा, बोथ के साथ ही वर्ब प्लूरल बनती है, इसलिए आपको यहां पर बोथ लगाना है, कि बोथ कौन, बोथ कौन, दोनों, हस्बैंड भी और वाइफ भी, वो दोनों ही क्या है, मेंबर्स हैं इस क्लब के, ठीक है, समझे ना, इजी क्वेश्चन था क्या, कि बोथ लगाना है, क्यों, क्योंकि दो की बात हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटर्मिनर्स। अपने हिसाब से आपको डिटर्मिनर्स लगाने हैं, आर्टिकल जो भी लगाना है अपने हिसाब से लगाना है, इस बार आपके पास ऑप्शन नहीं है, और एक ही क्वेश्चन में चार चार फिलअप्स दिए गए हैं। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेगा कि चार चार फिलअप्स दे दे, फिलअप्स वो मोस्टली एक या दो ही देता है, लेकिन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए चार चार पांच पांच फिलअप्स वाले क्वेश्चन डाले हैं, ताकि आप इजीली समझ जाओ कि कौन सा डिटरमिनेंट कैसे आएगा, तो आपको अपने हिसाब से यहाँ फिल करना है। चलिए देखिए फटाफट जल्दी बताइए क्वेश्चन को देख के कि किसमें क्या आने वाला है। देयर वॉज डैश एक्सीडेंट नियर डैश सेंट्रल मार्केट दिस मॉर्निंग, फिर फिलअप्स होने के बाद कार हिट डैश स्कूटर एंड डैश मैन ऑन डैश स्कूटर वॉज किल। चलिए एक बात देखिए, एक बात मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाहूंगा पहले इस क्वेश्चन से, क्या है कि मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास ये है कि देयर वॉज डैश क्रो, और मैंने आपसे कहा कि यहां पर क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि इसमें कौन सा आर्टिकल फिल करेंगे, समझिए, सोचिए, पॉज करिए वीडियो को और सोचिए। चलिए वापस आते हैं, दिखाता हूं मैं आपको कि क्या आएगा जब आपके पास नाउन कॉमन है और अनकाउंट सॉरी काउंटेबल सिंगुलर है और कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या लगाओगे आप, ए। अब आप ये मत याद कर लीजिएगा कि क्रो के साथ हमेशा ए आता है, क्योंकि जैसे ही मैं सेंटेंस को आगे फिल करूंगा, लिखूंगा आगे कि क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, कि भाई कौवा जो है ना बहुत प्यासा था, और यहां पर मैंने वापस आपको फिलअप्स दिया। तो अब देखिए पहली बार जब मैंने कौवे की बात की थी तो वो मेरे लिए इनडेफिनिट था, कौन से कौवे की बात हो रही थी मुझे नहीं पता था, तो इसलिए मैंने वहां पर इनडेफिनिट आर्टिकल लगाया, लेकिन जैसे ही मैंने सेंटेंस को आगे कंटिन्यू किया अब मुझे पता है कि कौन सा कौवा जो पहले था वही तो कौवा है ये भी, तो मुझे अब ये डिफाइन है, और अगर अब ये डिफाइन है तो अब कौन सा आर्टिकल आएगा मेरे भाई, अब यहां पर द आएगा, समझ गए ना,
तो जब हमारे लिए इंडेफिनिट चीजें हों तो आर्टिकल इंडेफिनिट ए या एन आएगा, लेकिन जब हम उसी नाउन को वापस रिपीट करेंगे तो वो नाउन हमारे लिए डेफिनेट बन जाती है, और अगर डेफिनेट बन जाती है तो हमें डेफिनेट नाउन ही यूज करनी पड़ेगी, सॉरी डेफिनेट आर्टिकल ही यूज करना पड़ेगा, जो क्या होता है द। इसलिए पहली बार ए आया क्रो के लिए और दूसरी बार क्या आया द। चलिए अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं, समझिए। देयर वॉज एक्सीडेंट, कौन सा एक्सीडेंट पता ही नहीं मुझे, और एक्सीडेंट में देखिए इंडेफिनिट है, सिंगुलर है, और जो है वोवल साउंड है, तो पहले फिलअप्स में आ गया एन, कि देयर वॉज एन एक्सीडेंट नियर, कहां पर, सेंट्रल मार्केट, जो पॉइंट ऑफ प्लेस होता है, जो पता है आपको मार्केट कौन सी थी, सेंट्रल, तो वो डिफाइन कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, तो क्या लगाएंगे आप द, कि एक एक्सीडेंट हुआ कहां पर, सेंट्रल मार्केट के पास में, ठीक है, कि देयर वॉज एन एक्सीडेंट नियर द सेंट्रल मार्केट। मार्केट की स्पेलिंग थोड़ा सही कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, MARKET मार्केट, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा हो गई है, ध्यान से देखिएगा एक बार, कि देयर वॉज एन एक्सीडेंट नियर द सेंट्रल मार्केट दिस मॉर्निंग, आज सुबह एक्सीडेंट हुआ था कहां पर, सेंट्रल मार्केट के पास में। यहां पर पहला सेंटेंस खत्म हो गया, अब वापस स्टार्ट हुआ, कार हिट, अब किस कार ने हिट किया ये आपको पता नहीं है, किसको, स्कूटर को, किस स्कूटर को किया ये भी नहीं पता, तो यहां पर क्या आएगा, ए कार हिट ए स्कूटर। अब ध्यान से देखिएगा कि आप स्कूटर के लिए ए लगाओगे या एन लगाओगे, यहां स्कूटर आप ऐसे लिखोगे, देखिए स्कूटर, तो पहला जो वर्ड है वो स है ना, और जब स है तो क्या आएगा, ए आएगा, स्कूटर, एंड मैन ऑन स्कूटर। अब देखो स्कूटर को वापस रिपीट किया गया है, तो अब क्या आएगा, यहां द आएगा, तो इस वाले फिलेप्स में द आएगा। अब यहां पर देखिए मैन डिफाइन है, कौन सा मैन, जो मैन कहां पर था, स्कूटर पे था, तो जब डिफाइन है तो क्या लगाओगे, द, समझे ना। पहली बार जब मैंने सेंटेंस पढ़ा तो एक्सीडेंट मेरे लिए जो है इंडेफिनिट था, मैंने एन लगा दिया, सेंट्रल मार्केट डिफाइन करके बता रहा है वो आपको, द लगा दिया, कार जो है इंडेफिनिट थी ए लगा दिया, स्कूटर जब मैंने पहली बार यूज किया तो वो भी इंडेफिनिट था, वहां भी ए आ गया, लेकिन जैसे ही मैंने स्कूटर को वापस रिवाइज किया, लिखा सेंटेंस के अंदर, तो वो क्या हो गया, डिफाइन हो गया, तो वहां पर द लगाना पड़ा, और मैन को वो डिफाइन कर ही रहा है कि कौन सा मैन, वो मैन जो स्कूटर पे था, तो यहां आपने द लगा दिया, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए सेकेंड पे आते हैं, फिलिप्स पोस्टमैन पुट डैश लेटर अंडर डैश फ्रंट डोर जस्ट डैश आर आफ्टर यू हैड लेफ्ट। चलिए बताइए, सोचिए एक बार किसमें क्या आएगा, देखिए जितनी भी पोस्ट होती है, बताया था मैंने उनको, उनसे पहले आपको दा लगाना होता है, तो यहां आपको दा लगाना पड़ेगा, पोस्ट से पहले आपको दा का यूज करना होता है। द पोस्टमैन पुट डैश लेटर, अब कौन सा लेटर उसने पुट किया पता नहीं, तो आप यहां क्या लगाओगे, ए, चाहो तो दिस भी ऑप्शन में अगर होता तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन अभी फिलहाल हम आर्टिकल की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ए आएगा, कि द पोस्टमैन पुट ए लेटर अंडर फ्रंट डोर, कौन सा डोर, फ्रंट डोर डिफाइन किया हुआ है, तो क्या लगाओगे आप, द लगाओगे, द पोस्टमैन पुट ए लेटर अंडर द फ्रंट डोर जस्ट आर, कौन सा आर, आफ्टर यू हैड लेफ्ट। अब देखिए आर का तो डिफाइन हो ही नहीं रहा, और आर में जो है साउंड वोवल की नहीं है, कॉन्सोनेंट की है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एन। तो पहले फिलप्स में दा, दूसरे में ए, तीसरे में दा, और वापस फोर्थ में क्या आ गया, एन आ गया, समझे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कप ऑफ टी में सीम डैश ऑर्डिनरी थिंग, कौन सी ऑर्डिनरी थिंग, ये आपको पता नहीं, ओ की साउंड है, वोवल साउंड है, तो क्या आ गया, एन आ गया, टू डैश ऑफ अस। अब देखिए यहां पर ऑफ अस है, अब यहां पर ए तो लगा नहीं सकते आप, कि ए ऑफ अस या एन ऑफ अस या द ऑफ अस, तो यहां आपको अलग से कोई डिटरमिनेंट यूज करना पड़ेगा आर्टिकल से अलग, तो यहां पर लगा दीजिए आप सम, क्योंकि अगर आप ऑल लगाओगे तो फिर वो कप ऑफ टी है ना, वो ऑल जितने भी इंडिया में सभी के लिए ऑर्डिनरी थिंग बन जाएगी, लेकिन हर एक बंदा इंडिया में चाय तो पीता नहीं है, कुछ ही लोग हैं जो चाय पीते हैं, हालांकि बहुत से लोग हैं चाय पीते हैं, लेकिन सब नहीं पीते, तो यहां पर आपको ऑल नहीं लगाना, सम लगाना है, कि सम ऑफ जितने हैं हम में से कुछ के लिए वो क्या है, एक ऑर्डिनरी थिंग है, आप चाहो तो ना भी पिए, बहुत लोग हैं जो चाय नहीं पीते हैं, बहुत लोग हैं जो चाय पीते हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर ऑल का यूज नहीं कर सकते, सम का ही यूज करना पड़ेगा। बट ड्रिंकिंग टी इज डैश रिचुअल, वो एक रिचुअल भी है, किसके लिए,
विच इज टेकन वेरी सीरियसली इन सम जापानीज होम। कुछ जापानीज होम ऐसे, अब वहां भी देखिए सारे जापानीज होम तो है नहीं जिनके लिए वो रिचुअल है, कुछ जापानीज होम ऐसे भी हैं जिनके लिए वो एक रिचुअल है। तो यहाँ रिचुअल है तो यहाँ ये इनडेफिनिट सिंगुलर हुआ तो ए आ गया, और जापानीज होम सारे तो है नहीं कुछ ही बात होगी तो यहाँ पर सम आ गया। तो पहले फिलप्स में एन, दूसरे में सम, तीसरे में ए, और फोर्थ में वापस क्या आ गया, सम आ गया। ठीक है, चलिए, या आप मैनीज भी यूज कर सकते हो, मैनी जापानीज होम, ठीक है ना, चाहो तो ज्यादा के लिए आप मैनी यूज भी कर सकते हो कि मैनी ऑफ अस, सम लगा दीजिए या मैनी लगा दीजिए, दोनों में ही एक ही बात है, सम मतलब कुछ हो जाएगा और मैनी मतलब बहुत से हो जाएंगे। चलिए, दोनों में से कोई से भी आ सकता है, बस मीनिंग थोड़ी थोड़ी सा क्या है वो चेंज हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, किंग फाउट ब्रेवली, तो द आएगा क्योंकि ये द किंग है, किंग की बात हो रही है ना, तो यहाँ द आ गया। कौन सा किंग, वो सब बताया गया है, डिफाइन किया गया है पूरा पूरा तरीके से उसको, इसलिए यहाँ पर द आएगा। द किंग फाउट ब्रेवली बट ही वॉज डिफिटेड बाय एनिमीज, ए एनिमीज, एन एनिमीज पॉसिबल नहीं है, द पॉसिबल नहीं है, ही के लिए क्या लगाओगे, हिज, है ना। वो जो राजा था वो बहुत बहादुरी से लड़ा, फाउच ब्रेवली, लेकिन अपने वो दुश्मनों हार गया, तो पजेसिव केस बन रहा है, पजेसिव ही लगाओगे हिज, ठीक है, इसलिए हिज आ गया। अब देखिए आगे, यहां सेंटेंस खत्म हुआ, सेंटेंस दूसरा स्टार्ट हुआ, डिफीटेड वॉरियर, कौन सा वॉरियर जो हार चुका था, कौन सा, वही किंग की बात हो रही है, तो डिफाइन है, डिफाइन है तो क्या, द डिफीटेड वॉरियर लेफ्ट द बैटल फील्ड, यहां पर भी द आएगा। जितने भी वॉर हैं सबसे पहले आपको दा लगाना होता है, चाहे वो कोई सा भी वॉर हो, ठीक है, इसलिए दा आ गया कि द डिफीटेड वॉरियर लेफ्ट द बैटल फील्ड एंड हिड हिमसेल्फ इन, यहां पर ये इज को रिमूव कर देना, ये इज कुछ नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इज को हटा दीजिएगा, इज एंड हिड हिमसेल्फ इन ए केव, क्योंकि कौन सी केव थी ये डिफाइन किया नहीं गया है, और जब आपको डिफाइन नहीं किया गया है तो आप वहां पर दा का यूज नहीं कर सकते, ए लगाओगे। तो पहले फिलिप्स में फोर्थ क्वेश्चन के दा आएगा, दूसरे फिलिप्स में हिज आएगा, तीसरे में फिर दा आएगा, चौथे में फिर दा आएगा, और पांचवे फिलिप्स में केव से पहले आपको ए का यूज करना पड़ेगा, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप, वो भी है आपका धकड़ कॉन्सेप्ट का टेलीग्राम ग्रुप है, या जो डाउट सेशन है वहां पर अपने डाउट छोड़ सकते हैं, सारे डाउट क्लियर कराए जाएंगे, या एक ऑप्शन ये भी है आपके पास कि आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए, वापस ले जाइए और वापस उसको सुनिए, पढ़िए, समझिए कि मैं आपको क्या चाह रहा हूँ, शायद आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो आप उस वीडियो को रिमाइंड करके वापस दोबारा देख सकते हैं, ताकि आपकी जितने भी कन्फ्यूजन है वो सारे फ्यूज हो जाएं, और उसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर धाकड़ कॉन्सेप्ट का टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है जो आपको प्रोवाइड किया गया है, या डाउट सेशन है, आप अपने डाउट वहां पर सारे पूछ सकते हैं, आपकी हर एक डाउट का सोल्यूशन आपको कराया जाएगा, हर एक क्वेरी को आपकी सॉल्व किया जाएगा, बस आपके पास जितने भी डाउट हैं वो आपको पूछने हैं, अपनी क्वेरीज को पूछना है, अपने पास कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है, उसको हमारे पास तक जरूर लेके आना है, आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा, धाकड़ कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है। तो बस ये है कि आपको एक बार आगे आके पूछना पड़ेगा, तो पहले वीडियो एक बार वापस देख लीजिएगा, समझ में नहीं आता है तो, या फिर उसके बावजूद भी प्रॉब्लम है तो फिर आप ऑफिस आइए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने कन्फ्यूजन को फ्यूज कर लीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नंबर फिफ्थ, डैश पीपल केम टू डैश साइट वेयर द रिवोल्यूशनरी जनरल वॉज टू बी हैंग्ड, व्हेन आस्क्ड इफ ही हैड डैश फायर डैश स्माइल रेन ऑन डैश ड्राई अप्स एंड ही नॉडेड हिज। चलिए आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर, स्टार्टिंग में ही है, पीपल केम टू डैश साइट वेयर द रिवोल्यूशनरी जनरल वॉज टू बी हैंग्ड, व्हेन, फिर फौजी सब लगा के उसने कहा कि व्हेन आस्क्ड इफ ही हैड डैश डिजायर, फिर डैश छोड़ दिया, स्माइल रेन ऑन डैश ड्राई अप्स एंड ही नॉडेड हिज हेड। अच्छा क्वेश्चन है, आपको डिटरमिनर फिल करने हैं, ध्यान से देखिएगा कौन सा डिटरमिनर कहां पर फिल होगा। तो स्टार्टिंग में देखिए, ए एंड द तो आ नहीं सकता, कौन से पीपल है पता नहीं, तो आपको यहां लगाना पड़ेगा मैनी, कि मैनी पीपल केम टू डैश साइट वेहर, कौन सी साइट उसने डिफाइन कर दिया,
और जब साइट डिफाइन हो गया तो आप क्या लगाओगे यहां पर, द। जब नाउन आपके पास डिफाइन होती है तो आपको वहां पर द लगाना होता है। तो यहां पर आया मैनी पीपल केम टू द साइट वेयर द रिवोल्यूशनरी जनरल वॉज टू बी हैंग्ड। ठीक है, बहुत से लोग वहां आए, उस साइट पे आए। चलिए आगे चलते हैं। ही हैड डैश डिजायर, जब उससे पूछा गया कि क्या उसकी कोई डिजायर है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एनी, है ना। यहां पर क्या आ जाएगा, एनी, क्योंकि यहां पर देखिए ए अंदर तो आ नहीं सकता, है ना। और जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव था तो सम भी नहीं आ सकता, एनी आएगा। तो व्हेन आस्क्ड इफ ही हैड एनी डिजायर, जब उससे पूछा कि कोई डिजायर, कोई इच्छा है, तो उसके चेहरे पर एक खुशी से एक स्माइल आ गई। तो स्माइल एक थी तो क्या लगाओगे आप, ए, कि ए स्माइल रेन ऑन हिज ड्राई अप्स, है ना। उसके चेहरे पर, उसके जो मुख था उसके ऊपर, उसके जो उदासी थी मुख पर, एकदम से क्या आ गई, एक स्माइल आ गई। तो यहां पर आएगा ए स्माइल रेन ऑन हिज ड्राई अप्स एंड ही नोडेड हिज हेड, और उसने अपना सर को हिला दिया, ठीक है ना, उसने मना कर दिया। चलिए तो यहां पर यानी कि फिफ्थ के पहले फिल्म्स में मैनी आएगा, दूसरे में दा आएगा, तीसरे में एनी आएगा, चौथे में ए, और लास्ट फिलप्स में आपको हिज लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहां पजेशन दिखाना है। जहां हमें पजेशन दिखाना है वहां हम क्या लगाते हैं, हिज। चलिए नंबर सिक्स पे आते हैं। इट वॉज डैश ग्रैंड ओकेशन, कौन सा ओकेशन है ये हमें पता नहीं, तो आप यहाँ ए लगा दोगे कि इट वॉज ए ग्रैंड ओकेशन फॉर चिल्ड्रन। अब देखिए यहाँ चिल्ड्रन प्लूरल है, तो आप यहाँ सम भी लगा सकते हो, आप यहाँ मैनी भी लगा सकते हो, लेकिन जैसे ही आप आगे पढ़ोगे डैश ऑफ देम हैड वॉन प्राइज डैश पेरेंट्स फेल्ट प्राउड डैश ऑफ देम, तो ऑफ देम को आप यानी कि यहाँ आगे जाके आपने उसमें से पार्ट किया है, हिस्सा किया है, तो इसलिए स्टार्टिंग में आप सम नहीं लगाओगे, मैनी लगाओगे, कि मैनी फॉर मैनी चिल्ड्रन, बहुत से बच्चों के लिए एक ये ग्रैंड ओकेशन था। इट वॉज ए ग्रैंड ओकेशन फॉर मैनी चिल्ड्रन। अब देखिए यहाँ पर पार्ट खत्म हुआ पहला, अब उनमें से जो कुछ थे, सम ऑफ देम हैड वोन प्राइजेस, कुछ ने जो है प्राइजेस जीते थे, एंड देयर पेरेंट्स, और उनके जो पेरेंट्स थे, चिल्ड्रन देखिए प्लूरल है, जब चिल्ड्रन प्लूरल है ना, सम ऑफ देम प्लूरल है, तो पेरेंट्स है ना से पहले पजेसिव केस लगाने के लिए आपको प्लूरल ही पजेसिव केस लगाना पड़ेगा, और प्लूरल के लिए पजेसिव केस क्या होता है, देयर, सिंगुलर के लिए क्या होता है, हिज, इसलिए यहां पर क्या आएगा, देयर, कि सम ऑफ देम हैड वोन प्राइजेस एंड देयर पेरेंट्स फेल्ट प्राउड, कुछ जो स्टूडेंट थे, कुछ जो चिल्ड्रन थे, उनमें से कुछ ने प्राइज जीता और उनके पेरेंट्स ने प्राउड फील किया, तो उनके लिए क्या लगाओगे आप, देयर। अब वापस सम ऑफ देम इंट्रोड्यूस, है ना, वापस सम लगाएगा, कुछ ऐसे थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपने पेरेंट्स को अपने टीचर के साथ। तो यहां पर देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन के पहले फिलिप्स में ए आया, दूसरे में मैनी, तीसरे में सम, चौथे में देयर, और पांचवें में फिर आपको क्या लगाना पड़ा, सम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप इसको एक बार समझिएगा, पढ़िएगा, वापस वीडियो देखिएगा और देखिएगा कि ये सब आंसर आपके सही थे या गलत थे, आपने सही बनाए या आपके गलत थे, आपको चेक कर लेना है जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गेम हंटिंग वॉज डैश फेवरेट पास्ट टाइम ऑफ डैश ऑफिसर्स ऑफ डैश ब्रिटिश राज। फिर आया दिस रिजल्टेड इन डिक्रीज इन डैश नंबर ऑफ एनिमल्स डैश इन वाइल्ड इन डैश वाइल्ड रिसेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैव पुश्ड देम टू डैश ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। देखिए ध्यान से किस फिलिप्स में क्या आएगा। गेम हंटिंग वॉज पास्ट टाइम, एक अच्छा पास्ट टाइम था। अब यहां पर कौन सा पास्ट टाइम, ये तो पता नहीं है। तो जब इंडेफिनिट है और कॉन्सोनेंट साउंड है तो स्टार्टिंग में क्या लगाना है आपको, ए, कि गेम हंटिंग वॉज ए फेवरेट पास्ट टाइम ऑफ डैश ऑफिसर्स ऑफ। अब देखिए ऑफिसर्स नाउन है, ऑफ आया, ब्रिटिश राज, कौन सा राज, ब्रिटिश राज, तो यहां तो आपको दा लगाना ही है। और बताया था मैंने कि नाउन ऑफ नाउन वाली जहां भी कंडीशन होगी, नाउन ऑफ नाउन वाली जहां भी कंडीशन होगी, उससे पहले आपको दा लगाना ही पड़ेगा, इसलिए यहां पर भी क्या आएगा, दा। ये दा इसलिए आया, जितने भी डेंसिटी हुई है, जितने भी वंस हुए हैं, जितने भी रूल्स हुए हैं, ठीक है ना, उनसे पहले भी आपको दा लगाना होता है,
इसलिए ब्रिटिश राज से पहले क्या आया, दा आया, ठीक है। और ये दा इसलिए क्योंकि नाउन ऑफ नाउन वाली कंडीशन बन रही है। फिर आइए आगे, दिस रिजल्टेड इन डिक्रीज इन डैश नंबर ऑफ एनिमल्स। देखिए वापस फिर नाउन ऑफ नाउन, यहां नाउन ऑफ नाउन आप दा, इन द वाइल्ड कहां पर, जंगल में, वाइल्ड जंगली में, चीजों में, पुरानी चीजों में, तो यहां पर भी वाइल्ड आएगा क्योंकि ये डिफाइन हो गया। रिसेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैव पुश्ड देम टू डैश ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। यहां देखिए ब्रिंक नाउन ऑफ एक्सटिंक्शन नाउन, तो नाउन ऑफ नाउन वाली कंडीशन है, और जहां पर नाउन ऑफ नाउन वाली कंडीशन होती है वहां पर भी क्या आता है, दा का यूज होता है। तो यहां भी क्या आएगा, दा, मतलब पहले फिलअप्स में ए है, फिर दा, दा, दा और दा, यानी कि स्टार्टिंग के फिलअप्स में आपको ए फिल करना है, बाकी पांच फिलअप्स में क्या आएगा, दा आएगा, क्योंकि नाउन ऑफ नाउन वाली कंडीशन यहाँ सब जगह फॉलो हो रही है, और जहां पर भी आपके पास नाउन ऑफ नाउन वाली कंडीशन है वहां पर आपको दा फिल करना होता है। ये फिलअप्स वाले क्वेश्चन थे। अब जो क्वेश्चन है वो आपके सामने, ये क्वेश्चन होंगे वो एरर वाले क्वेश्चन होंगे, इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन होंगे। तो अब हम चलते हैं एरर और इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, डिटेक्ट द एरर और डिटरमिनर्स इन द सेंटेंस। आपको सेंटेंस में एरर ढूंढनी है, जो भी डिटरमिनर की एरर है वो, और उसको इंप्रूव करना है एंड करेक्ट देम। पहला क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू पोस्ट ऑफिस, इट इज नियर द सेंट्रल पार्क। देखिए सेंट्रल पार्क है, बता दिया उसने कौन सा पार्क, दा सही है। आप कहाँ जा रहे हो, पोस्ट ऑफिस, ये डिफाइन है आपको, तो यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा आपको, दा। तो पहले क्वेश्चन में यही एरर थी कि आपको आई एम गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंटल ब्रांच है, तो ऐसे देखोगे तो भी दा आएगा, और जहां भी आपको डिफाइन हो, आपको बताया गया हो कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो डिफाइन करने के लिए आप हमेशा दा का यूज करते हैं, इसलिए पहले फिलअप्स में दा का यूज होगा। आई एम गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस, इट इज नियर द सेंट्रल पार्क। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बना आपका द, जो पोस्ट ऑफिस से पहले आना है। सेकंड पे आइए, सी लिव्स नियर डेस्ट टेम्पल ऑन सिविल रोड। कौन सा टेम्पल, वो टेम्पल जो सिविल रोड पे है, डिफाइन हो रहा है, और जब चीजें आपको डिफाइन हो जाए, जब नाउन आपको डिफाइन हो जाए, तो आपको दा लगाना होता है। तो यहां पर सेकंड क्वेश्चन का आंसर बनेगा द, किसी लिव्स नियर द टेम्पल ऑन सिविल रोड। समझ गए ना, जब भी आपके पास नाउन डिफाइन हो वहां आपको लगाना होता है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड पे आते हैं। देखिए वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, आपका डाटा ज्यादा खर्च ना हो, आपको ज्यादा वेट ना करना पड़े, इसलिए मैं आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ कि आप क्वेश्चन सोचिए। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आप वीडियो पॉज करो, आंसर लगाओ, चेक करो, फिर बाद में वीडियो चालू कर दो और अपना आंसर मैच कर लो। इसलिए मैं टाइम बीच में नहीं दे रहा आपको कि आप सोचिए, लेकिन एक बात मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि मैंने क्वेश्चन का जो आंसर समझाया है उससे पहले आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब अपने आप ढूंढना है और देखना है कि आपका सही था या गलत था। इससे क्या होगा, मान लीजिए आपका सही था तो सही आपके मन में हो ही गया, लेकिन अगर आप गलत हुआ है तो वो गलत इसलिए हुआ है क्योंकि उस चीज को लेके आपके जो माइंड में है वो गलत थिंकिंग बैठी हुई है, तो वो गलत थिंकिंग बाहर आनी जरूरी है, तभी सही थिंकिंग आपके माइंड में जाएगी, तभी सही डाटा आपके माइंड में जाएगा। तो ये गलत डाटा जो बाहर आना है ये जरूरी है, ये कब आएगा, जब पहले आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे। तो हमेशा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन देखो, लगाओ, ठीक है, या फिर जितनी भी पीडीएफ आपके पास एक्सरसाइज की दी गई है आपको धाकड़ कॉन्सेप्ट की तरफ से, पहले उनको लगाइए और फिर बाद में सॉल्यूशन देखिए, ताकि आप ये चेक कर सको कितने आपके सही बने और कितने आपके गलत। तो बिल्कुल सही बताया मैंने आपको, एक बार आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए आप चीजें को लंबे टाइम के लिए याद नहीं रख पाओगे, ठीक है, समझ गए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, ही इज अ बॉय हु हेल्प्स मी इन नीड। देखिए बॉय कौन सा है, यहां डिफाइन किया गया है, जिसने मुझे, जो हमेशा मेरी जरूरत में मेरी हेल्प करता है। तो जब देखिए अगर सेंटेंस को मैं यहां रखता यहां तक, तो ए सही था, क्योंकि बॉय कौन सा है डिफाइन नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने ये वाला पार्ट पढ़ा, बॉय क्या हो गया मेरे लिए, डिफाइन हो गया कि ये वही लड़का है जो हमेशा मेरी जरूरत में हेल्प करता है, यानी डिफाइन है आपके पास। और जब डिफाइन है तो आर्टिकल ए का यूज नहीं होगा, फिर आर्टिकल आपको दा लगाना
पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा दा, कि ही इज द बॉय, ये वही लड़का है जो हमेशा जरूरत में मेरी हेल्प करता है। समझ गए ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फटाफट वीडियो पॉज, स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन लगाओ और आंसर फिर चेक करना सही या गलत। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग, यू मे यूज इट। अब जरा सोचिए कि मैंने लिटिल के बारे में क्या बताया था आपको। लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। लिटिल मतलब नेगेटिव और ए लिटिल मतलब पॉजिटिव और द लिटिल मतलब डिफाइन। तो आप जरा सोचिए, हाँ मैं पॉजिटिव मीनिंग लूँ या नेगेटिव मीनिंग लूँ। उसने कहा कि भाई जग में जो है ना दूध है या नहीं है पता नहीं। अब यू मे यूज, आप इसे यूज कर सकते हो, तो आप यूज कब करोगे, जब जग में गिलास, सॉरी जग में दूध होगा या नहीं होगा। होगा ना, पॉजिटिव मीनिंग लेना है और पॉजिटिव मीनिंग लेना है तो लिटिल से पहले आपको ए का यूज करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा ए लिटिल। ठीक है ना, जब पॉजिटिव मीनिंग लेंगे तो ए लिटिल और नेगेटिव मीनिंग लेंगे तो लिटिल। चलिए नंबर 5th पे आते हैं। मच ऑफ द पीपल। अब देखिए पीपल क्या है, काउंटेबल। अब जब काउंटेबल है तो मच किसके लिए आता है, अनकाउंटेबल के लिए। तो मच तो गलत है क्योंकि पीपल काउंटेबल है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, मैनी। तो यहां पर मच नहीं आएगा, क्या आएगा, मैनी। कि मैनी ऑफ द पीपल हु वेंट देयर लॉस्ट देयर बिलोंगिंग्स। आप मैनी लगा लीजिए, आप सम लगा लीजिए, दोनों सही है, लेकिन मच यहाँ पर क्या है, गलत है। जितने भी लोग वहां गए थे, बहुत सारे जितने भी थे, सब ने अपनी बिलोंगिंग्स को खो दिया था, या सम जो कुछ लोग वहां गए थे उन्होंने अपनी बिलोंगिंग्स को खो दिया था। तो यहाँ पर मैनी भी सही हो सकता है आपका और सम भी सही हो सकता है, लेकिन लेकिन यहाँ पर मच का यूज आप यहाँ नहीं कर सकते। चलिए नंबर 6 पे आते हैं। अवॉइड ईटिंग टू मैनी बटर। अब जरा ध्यान से देखिए, बटर क्या है, अनकाउंटेबल। अब जब बटर अनकाउंटेबल है तो मैनी तो आएगा नहीं, अनकाउंटेबल के लिए आप क्या लगाते हो, मच। तो यहां पर मैनी नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, मच आएगा। यहां पर मैनी नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, मच। कि अवॉइड ईटिंग टू मच बटर, समझ गए ना। यहां पर मैनी नहीं आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, मच। अनकाउंटेबल के लिए मच और काउंटेबल के लिए मैनी। चलिए नंबर 7 पे आते हैं। सरोजनी रॉट मच ऑफ हर पोयम्स। अब देखिए पोयम्स क्या है, काउंटेबल है, और काउंटेबल है अगर तो अब मच लगाओगे मैनी, फिर तो मैनी आएगा, फिर मच आएगा ही नहीं। तो यहां से मच हटा दीजिए या मैनी या सम लगा लीजिए। यहाँ लगा दीजिए मैनी। ज्यादातर पोयम्स उसने उसने अपनी तब लिखी थी सरोजनी ने, जब वो यंग थी, व्हेन सी वॉज यंग। तो मैनी लिख सकते हो, सम भी, लेकिन यहां पर मच का यूज नहीं होगा। लेकिन अब देखो मैनी लगाएं या सम, तो जब भी आपको मच को रिप्लेस करना होगा, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा आप, वहां आप मैनी को ही प्रेफरेंस देंगे। जब भी आपको मच को रिप्लेस करना होगा तो उस मच को आप मैनी के साथ ही रिप्लेस करोगे। ठीक है, चलिए काउंटेबल के लिए मैनी, अनकाउंटेबल के लिए मच। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देयर ऑल इफेक्ट्स वेंट अप इन स्मोक। अच्छा क्वेश्चन है। देयर ऑल इफेक्ट्स वेंट अप इन स्मोक। आप इस पॉइंट को, इस वर्ड को ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये देखिए, ये भी क्या है, डिटरमिनर, और ये भी क्या है, डिटरमिनर। ये पजेसिव है और ये न्यूमेरिकल डिटरमिनर है, तो दो डिटरमिनर साथ में आप यूज नहीं कर सकते। तो आपको इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा ऑल ऑफ देयर इफेक्ट्स, ऑल ऑफ देयर इफेक्ट्स। ठीक है, तो देयर ऑल का यूज आप नहीं कर सकते, इसका फॉर्मेशन आपको चेंज करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा ऑल ऑफ देयर इफेक्ट्स। ये पॉइंट नया है इस पूरे चैप्टर में, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान से एक बार लिख लीजिएगा अपने नोट्स में कि देयर ऑल नहीं हो सकता। दो डिटरमिनर अगर इस केस में इस तरीके से साथ में आए होते हैं तो आप इनको साथ में ऐसे यूज नहीं कर सकते, इनको आपको चेंज करना पड़ेगा, इनको आपको लिखना पड़ेगा ऑल ऑफ देयर इफेक्ट्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल ऑफ द प्लेग्राउंड वॉज वाटर लॉग्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एक बार सोच कि क्या क्वेश्चन सही है। देखिए अगर मैं इसमें क्वेश्चन में एरर देखूं, तो अगर मैं इसको सही मान लूं कि ऑल ऑफ द प्ले ग्राउंड, तो ऑल के बाद नाउन क्या है, होनी चाहिए प्लूरल, तो यहाँ प्ले ग्राउंड आना चाहिए। और फिर वर्ब कैसे, फिर वर्ब भी कैसे आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, तो यहाँ पर वर आना चाहिए। तो
तो उस हिसाब से तो आप इसको ऐसे भी सही कर सकते हैं कि प्लेग्राउंड का कर दीजिए प्लेग्राउंड्स, ठीक है, और वाज का कर दीजिए वर। ठीक है, देखो इस मैं आपको ऐसे समझा देता हूं कि ऑल के बाद दो कंडीशन बनेगी, ऑल ऑफ के बाद अगर नाउन जो है काउंटेबल है तो वो प्लूरल रहेगी, कैसी रहेगी प्लूरल, और उस केस में वर्ब भी आपको कैसी यूज करनी है प्लूरल यूज करनी है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स हैज नहीं आएगा, आपको हैव यूज करना पड़ेगा, हैव पास्ड इट, समझ गए। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, ये पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये भी है कि अगर ऑल के बाद नाउन अनकाउंटेबल आपकी है, नाउन जो है वो अनकाउंटेबल है, तो फिर वर्ब आपकी सिंगुलर रहेगी, वर्ब फिर कैसी रहेगी सिंगुलर। जैसे एग्जांपल देखिए कि ऑल द वर्क अब यहां पर आएगा हैज, अब यहां पर हैव का यूज नहीं होगा, हैज बीन डन। समझ गए, ऑल वाला केस क्या है, ऑल के बाद अगर पॉजिटिव है, सॉरी ऑल के बाद अगर काउंटेबल है तो वो प्लूरल होगा और वर्ब भी आपकी प्लूरल, लेकिन अगर ऑल के बाद अनकाउंटेबल है तो वर्ब वहां पर आपको सिंगुलर लगानी है, क्योंकि अनकाउंटेबल को आप सिंगुलर ही काउंट करते हैं। इसलिए यहां पर आपको दो करेक्शन करने पड़ते हैं, क्या कि प्लेग्राउंड में एस लगाना पड़ता प्लेग्राउंड्स और वॉज का वर्क करना पड़ता। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी सही कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में लिखा गया है कि आपको डिटरमिनर के हिसाब से क्वेश्चन को सही करना है, आपको डिटरमिनर के हिसाब से आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से भी दे सकते हैं कि आप ऐसे ना करके इसको ऐसे बना दीजिए कि यहां पर जो डिटरमिनर है वो ऐसा ले लीजिए ताकि आपका ये भी सही हो जाए और ये भी क्या हो जाए सही हो जाए। तो या तो लिख दीजिए ईच या लिख दीजिए एवरी, है ना, ईच या एवरी। तो यहां पर आप ईच लिख लीजिए या एवरी, तो यहां पर आ जाएगा ईच ऑफ द प्लेग्राउंड या एवरी ऑफ द प्लेग्राउंड, लेकिन उसके बावजूद भी आपको यहां एस का ही यूज करना पड़ेगा, शायद ये टाइपिंग मिस्टेक होगी। अब जो वर्ब है आपकी वो सिंगुलर रहेगी, ईच या एवरी वाले केस में जो वर्ब है आपकी वो सिंगुलर ही रहेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं। Neither of us did not knew the answer. देखिए neither जो है वो दो के लिए आता है, ये जो है प्रनाउन वाला पार्ट है, क्वेश्चन यहां पर आ गया तो मैं बस समझा देता हूं आपको इस क्वेश्चन को भी। Neither जो है वो दो के लिए आता है, either जो है वो भी दो के लिए आता है, और both जो है वो भी दो के लिए आता है, और each जो है वो भी आपका दो के लिए आता है। Each, both, neither, either, ध्यान रखिएगा ये चार वर्ड दो के लिए आएंगे। एवरी दो से ज्यादा के लिए आएगा, ऑल दो से ज्यादा के लिए आएगा, नन या नो वन भी दो से ज्यादा के। अब यहां पर अस है, यहां बताया तो गया ही नहीं कि अस दो है, तो यहां पर आप नीदर यूज नहीं कर सकते, यहां पर आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या देखिए यहां पर नॉट भी दिया है, नेगेटिव भी दिया है, तो अगर मैं यहां पर नन लगा दूं तो फिर नॉट नहीं आएगा, है ना, फिर दो जगह करेक्शन करना पड़ेगा कि यहां पर नन लगा दीजिए तो वहां से आपको नोट हटाना पड़ेगा, तो इसलिए यहां पर आप लगा दीजिए ऑल, कि ऑल ऑफ अस डिड नॉट न्यू द आंसर। अब देखो डिड के साथ न्यू भी नहीं आएगा, कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहां पर आपको नो भी यूज करना पड़ेगा, कि ऑल ऑफ अस डिड नॉट नो द आंसर, ये पॉसिबल है, या तो ऐसे सही कर दीजिए या फिर नन लगा दीजिए और यहां से डिड नॉट हटा दीजिए। अगर आपने नन लगाया डिड नॉट हटाया तो फिर आपको सेकंड फॉर्म ही यूज करनी पड़ेगी न्यू, है ना। तो जो ऑप्शन आपको दिया गया हो, जैसे भी दिया गया हो, उस हिसाब से ये सही हो जाएगा। यहां पर अगर आपने ऑल लगाया है तो नॉट लगाना पड़ेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी पड़ेगी, पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर आपने यहां पर नन लगाया तो यहां से फिर आपको ये नॉट हटाना पड़ेगा, डिड नॉट, और कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म रहेगी। ठीक है, तो जो भी आपको ऑप्शन दिया गया हो उस हिसाब से आपका आंसर बन जाएगा। मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, या तो क्वेश्चन रहेगा ऑल ऑफ अस डिड नॉट नो एनी फर्स्ट फॉर्म द आंसर, या फिर आपका आंसर रहेगा नन ऑफ अस न्यू द आंसर। ठीक है, अगर नन लगाओगे तो सेकंड फॉर्म, नोट नहीं आएगा, ऑल लगाओगे तो नोट आएगा और फर्स्ट फॉर्म आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 11, ऑलमोस्ट ऑल हर। अब देखिए वापस वही आ गया, ऑल
हर टाइम, ऑल भी आ गया, हर भी आ गया, तो आपको ऑफ के साथ इसका आंसर देना पड़ेगा क्या, कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हर टाइम, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हर टाइम इज स्पेंट ऑन बाइंग क्लोथ्स एंड कॉस्मेटिक्स, ज्यादातर टाइम उसका हमेशा कहां पर वेस्ट होता है, स्पेंड करती है वो बाइंग क्लोथ्स और कॉस्मेटिक्स में, कपड़े और कॉस्मेटिक्स को खरीदने में वो अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करती है। ठीक है, दो पजेसिव साथ में नहीं आ सकते, पजेसिव के साथ ऑल नहीं आता है, इसलिए आपको यहाँ पर ऑफ लगाना पड़ा, जैसे पहले क्वेश्चन में था, है ना, देयर इफेक्ट वाले में, तो यहाँ पर आएगा ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हर टाइम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। ऑल पर्संस हैव टू शेप हिज ओन डेस्टिनी, ऑल पर्सन हैज टू शेप हिज ऑन डेस्टिनी, सोचिए क्वेश्चन में क्या एरर है, ये भी ध्यान रखना है, ऑल और बोथ के बाद अगर ऑफ वाली कंडीशन है तो द का यूज होता है, ऑल द, बोथ द, और हुल से पहले द का यूज होता है, हुल से पहले द का यूज होता है, तो यहां पर एरर रहेगी, यहां पर आएगा ऑल द पर्सन, नहीं आएगा पर्संस होगा, नाउन होनी चाहिए आपकी, ऑल द पर्संस हैव टू सेव हिज नहीं आएगा, देयर आएगा, क्योंकि प्लूरल है और प्लूरल में क्या आता है, हिज नहीं आता है, क्या आता है, देयर, तो सेंटेंस बनेगा ऑल द पर्संस हैव टू सेव देयर ऑन डेस्टिनी, ऑल द पर्संस हैव टू सेव देयर ऑन डेस्टिनी, समझ गए ना, क्योंकि प्लूरल रखना पड़ेगा आपको, ऑल के बाद हमेशा नाउन जब काउंटेबल होगी तो वो प्लूरल रहेगी, समझाया मैंने आपको, और वर्ब भी कैसी रहेगी, प्लूरल, अब चूंकि वर्ब भी प्लूरल है तो आपका पजेसिव प्रोनाउन भी क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, तो सेंटेंस बनेगा ऑल द पर्संस हैव टू सेव देयर ऑन डेस्टिनी। ठीक है, चलिए दो एरर क्वेश्चन के अंदर थी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, कि डोंट पे सम अटेंशन टू व्हाट दैट सिली हैग सेज, चलिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, देखिएगा एक बार, डोंट पे सम अटेंशन टू वॉट दैट सिली हैग सेज, डोंट यहां पर स्टार्टिंग में दिया गया है, डोंट मतलब नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो सम का यूज नहीं होगा, नेगेटिव में क्या यूज करते हैं हम, एनी, तो यहां पर आएगा डोंट पे एनी अटेंशन टू वॉट दैट सिली हैग सेज, पॉजिटिव में सम यूज करेंगे और नेगेटिव में आप एनी का यूज करेंगे, ये बात हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव में सम और नेगेटिव में एनी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, कि एवरीवन टेक्स लिटिल टाइम टू सेटल ए न्यू प्लेस, देखिए यहां पर लिटिल क्या है, नेगेटिव होता है, तो आपको तो पॉजिटिव मीनिंग लेना है, कि जब तक वो नेगेटिव ना कहे तब तक आपको नेगेटिव नहीं होना है, तो यहां पर पॉजिटिव रहने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा लिटिल, कि एवरीवन टेक्स अ लिटिल टाइम टू सेटल डाउन ए न्यू प्लेस। ठीक है, एवरीवन takes a little time to settle down at a new place. समझ गए? चलिए पॉजिटिव में a little और नेगेटिव में आप यूज करते हो लिटिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। I phoned her many times, but each time there were no answers. ठीक है, देखिए बहुत बार टाइम मैंने उसको बहुत बार फोन किया, तो दो के लिए ईच आता है, दो की बात तो हो ही नहीं रही, बात तो मैंने की हो रही है कि बहुत बार मैंने उसको फोन किया, तो ईच नहीं आ सकता क्योंकि ईच दो के लिए आएगा, तो यहां पर आपको लगाना पड़ेगा एवरी, कि एवरी टाइम देयर वर नो आंसर, मैंने इसको बहुत बार फोन किया लेकिन हर बार नहीं मिला, तो यहां पर आएगा एवरी टाइम देयर वर नो आंसर। आई होप आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे, मैं और क्वेश्चन कराता हूं आपको, 10-12 क्वेश्चन और कराता हूं जो अच्छे लेवल के हैं, एक बार इनको आप एक से क्या कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा, समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा, और चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर, उन क्वेश्चंस को देखते हैं कि उनमें क्या एरर रही होगी, आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, और याद से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन शायद मैंने कुछ करा भी दिए हैं आपको, फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन को एक बार वापस लेके आया हूँ आपके सामने। क्वेश्चन, फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड, अब देखिए यहाँ उसने फ्यू बोला, फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड, फ्यू रिमार्क्स, कौन सा रिमार्क्स, दैट ही मेड, यानी कि यहाँ पर उसने आपको डिफाइन किया है कौन से रिमार्क्स की बात हो रही है, तो जहां पर चीजें डिफाइन है वहां फ्यू नहीं आता, वहां क्या आता है, द फ्यू, तो आंसर में रहेगा आपका द फ्यू, बताया था ना मैंने फ्यू में और ए फ्यू में और इनमें डिफरेंस,
फ्यू मतलब नेगेटिव, ए फ्यू मतलब पॉजिटिव, और द फ्यू मतलब डिफाइन। तो जहां चीजें डिफाइन है वहां द फ्यू आएगा। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, व्हेन आई आस्क्ड हिम टू वेट फॉर फ्यू मिनट्स ही रिटॉर्टेड, ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा, इस स्पेलिंग को सही कर लीजिएगा। ही वॉज टू बिजी ए पर्सन टू वेस्ट टाइम। देखो यहां पर व्हेन आई आस्क्ड हिम टू वेट फॉर फ्यू मिनट्स। अब देखिए फ्यू मिनट्स, फ्यू दिया उसने, फ्यू कब आता है, नेगेटिव में आता है, और नेगेटिव अगर उसने बोला है तो हम नेगेटिव रखेंगे, लेकिन उसने कहीं नेगेटिव के लिए आपको हिंट दिया ही नहीं है, और जब तक वो आपको नेगेटिव का हिंट ना दे तब तक आपको पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिव रहना है तो आपको यहां पर ए लगाना पड़ेगा, ए फ्यू मिनट्स, ए फ्यू मिनट्स। डिफाइन तो हो नहीं रहा तो द फ्यू तो आएगा नहीं, है ना, नेगेटिव यहां उसने बोला नहीं है तो फ्यू भी नहीं आएगा, तो बचा आपका ए फ्यू मिनट्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ही हैड लिटिल मनी विद विच ही बॉट ए स्मॉल हाउस, जिससे वो एक घर खरीदेगा। अब घर कब खरीदेगा, जो उसके पास पैसे होंगे या नहीं होंगे, पैसे होंगे तभी तो घर खरीद पाएगा वो, तो मीनिंग पॉजिटिव लेना है, और अगर मीनिंग पॉजिटिव लेना है तो लिटिल नहीं आएगा, आपको ए लिटिल यूज करना पड़ेगा। पॉजिटिव में ए लिटिल और नेगेटिव में आप यूज करते हो लिटिल, ठीक है। अब चूंकि घर खरीदने की बात हो रही है तो आपको मीनिंग पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और पॉजिटिव के लिए आपको लगाना पड़ेगा ए लिटिल। चलिए क्वेश्चन फोर्थ पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंस देयर वॉज अ लिटिल होप ऑफ डिसवेडिंग द वर्कर फ्रॉम रिसोर्टिंग टू वॉयलेंस, द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू डिक्लेयर ए लॉक आउट। देखो अगर उसके पास होप होती तो वो लॉक आउट का डिसीजन क्यों लेता, अब उसके पास होप नहीं थी इसलिए उसने डिसीजन लिया कि जो मैनेजर है वो क्या करेगा, लॉक आउट करेगा। अब होप नहीं थी मतलब नेगेटिव मीनिंग लेना है, और नेगेटिव मीनिंग लेना है तो लिटिल आएगा ना कि ए लिटिल। ए लिटिल मतलब पॉजिटिव, और लिटिल मतलब नेगेटिव। अब देखिए उसने कहा ना आगे जाके, उसने हिंट दिया ना कि होप अगर उसके पास होती तो वो डिसीजन नहीं लेता लॉक आउट करने का, उसकी जो होप थी वो कम हो गई, बहुत कम हो गई, खत्म हो गई, इसलिए उसने डिसीजन लिया कि वो लॉक आउट करेगा। ही डिसाइडेड टू डिक्लेयर ए लॉक आउट, इसलिए नेगेटिव मीनिंग था, तो आपको यहां से ए को रिमूव करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, आई हैव ए नॉवल इन वन हैंड, ये क्वेश्चन शायद मैंने कराया था आपको, थ्योरी पढ़ाई थी। दो हाथ होते हैं, एक हाथ में नॉवल है तो बचा दूसरा हाथ। मैंने कहा था जहां आपको दो में दूसरे की बात करनी हो वहां हमेशा आपको द अदर लगाना होता है, वहां अनादर का यूज नहीं होता है, तो यहां अनादर नहीं आएगा, यहां पर आएगा द अदर। जब भी आप दो में दूसरे की बात करोगे वहां पर हमेशा द अदर का यूज होगा, इसलिए यहां पर अनादर नहीं आएगा, द अदर आएगा। ये मैं आपको पहले ही ऑलरेडी समझा चुका हूं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन ही मैंने कराया था आपको कि जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, जब ये सेम एग्जांपल लिया था, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर भी द अदर का ही यूज होगा, तो यहां पर भी द अदर ही आएगा। अगर आप भूल गए हो तो मैं समझा दूंगा वापस आपको। इसको ऐसे देखिए, मान लीजिए ये आपके पास एक क्लासरूम है, इसमें स्टूडेंट हैं 100 के आसपास, समझाया था मैंने, 70 आज प्रेजेंट है, 30 नहीं आए, 30 मतलब एबसेंट है। मैं क्लास में गया और मैंने पूछा कि और स्टूडेंट और बॉयज कहाँ हैं, तो जरा सोचिए आपकी और कौन से, वो और जो यहाँ पर आज नहीं आए हैं। मतलब जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो वहां भी चीजें डिफाइन होती हैं, और जब आपके पास चीजें डिफाइन हो तो वहां हमेशा द अदर का यूज होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, द अदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन हेल्प मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूं। जब भी स्टार्टिंग में फिलअप्स दे दे और बाद में नाउन ना दे तो आपको बिना नाउन के यूज करना होता है सब्जेक्ट के रूप में अदर्स, क्योंकि अदर्स क्या होता है, प्रोनाउन। अब हम सब जानते हैं कि सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अब उसने नाउन आपको दिया नहीं है कहीं भी, तो आपको फिर प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, और प्रोनाउन क्या होगा, अदर्स, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा, अदर्स, तो आंसर बनेगा आपका अदर्स। ये भी क्वेश्चन मैं शायद आपको पहले ही ऑलरेडी करवा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। She does not like others who do not study, समझाया था मैंने कि उसको वो लोग पसंद नहीं है जो स्टडी नहीं करते हैं, तो स्टडी करो उसको पसंद आ जाओगे आप। अब देखिए उसने कहा वो जो स्टडी नहीं करते हैं, यहां पर उसने है ना, यहां पर उसने नाउन का यूज नहीं किया है। अगर मैं यहां पर पीपल वर्ड लिख देता, नाउन को यूज कर लेता, तो फिर आप लगाते द अदर, क्योंकि फिर डिफाइन हो गया था, नाउन थी आपके पास, लेकिन जब नाउन ही नहीं है तो आपको प्रोनाउन लगाना है।
इट मींस यहां पर आपका अदर्स क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर अदर्स क्या है, बिल्कुल करेक्ट। अगर यहां पर पीपल वर्ड रहा होता तो फिर आप अदर्स नहीं यूज करते, फिर आपको यूज करना पड़ता द अदर। क्वेश्चन में डिफरेंस है जो मैंने आपको थ्योरेटिकल समझाया था वहां पर और इस क्वेश्चन में। वहां मैंने पीपल वर्ड लिखा था, यहां पर क्वेश्चन में पीपल वर्ड नहीं है। अगर नाउन नहीं है तो आपको प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, फिर आपको यूज करना पड़ेगा अदर्स, ठीक है, या फिर अंडरस्टूड करना पड़ेगा पीपल को, उस हिसाब से आप द अदर लगा सकते हो। लेकिन एग्जामिनर इस बात को नहीं मानेगा, इसलिए यहां आपको अदर्स यूज करना है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, ए फ्यू प्लांट्स दैट आर फाउंड इन डेजर्ट। देखिए कौन से प्लांट्स की बात हो रही है, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा जीरो फाइट्स की, एक्स ई आर ओ पी एच वाई टी ई एस, ठीक है। अब देखो उसने प्लांट्स को डिफाइन कर दिया, कौन से प्लांट्स जो डेजर्ट में पाए जाते हैं जिनका नाम क्या है, ज़ीरोफाइट्स। तो जहां चीजें आपकी क्या हो जाएं, डिफाइन हो जाएं, वहां पर ए नहीं आता है, ए फ्यू नहीं आता है, वहां क्या आता है द फ्यू। तो यहां पर ए फ्यू को आपको चेंज करना पड़ेगा इसमें द फ्यू में, जब चीजें डिफाइन हो तो वहां पर द फ्यू। लास्ट क्वेश्चन है, लॉट्स ऑफ पीपल नो अबाउट अक्षय कुमार। ये क्वेश्चन भी मैं समझा चुका हूं आपको, बट से बताया था मैंने कि बट आया है, बट ने कहा है कि पहले पॉजिटिव तो बाद में नेगेटिव ले लो, क्योंकि बट हमेशा बनाता है कॉन्ट्राडिक्शन, बट हमेशा बनाता है कॉन्ट्राडिक्शन। अगर पहले पॉजिटिव तो बाद में नेगेटिव, और पहले नेगेटिव तो बाद में पॉजिटिव। अब स्टार्टिंग में सिंपली जनरली आपको साफ साफ क्लियरली उसने पॉजिटिव दिया है तो आपको लास्ट में नेगेटिव बनाना है, और नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में ए फ्यू नहीं आता, यहां से आपको ए हटाना पड़ेगा, नेगेटिव में केवल फ्यू का यूज होता है। तो ये थे आपके डिटरमिनर, आई होप आप समझ गए होंगे। अब करना क्या है दोस्तों, इनसे अलग जितनी भी बुक्स या सीट्स आपके पास नोट्स हो, किसी भी पब्लिकेशन कहीं के भी, जो आपको सीट्स नोट्स और बुकें यहां से दी गई हैं धाकड़ कॉन्सेप्ट से, उन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। आपके पास कोई बुक हो, आपके पास कोई नोट्स हो, सीट्स हो, उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा चीजें आपके लिए लंबे टाइम लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगी आपको हमेशा, ठीक है। तो आपको जितनी ज्यादा हो सकती है इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अपने पास से क्वेश्चंस बनाने हैं, उनको प्रैक्टिस करना है। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा एग्जाम आपका जो है वो जाके ईजी हो जाएगा, आपके आंसर्स आने लगेंगे। उसमें जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो कोई भी अगर आपका डाउट आता है तो आप अपने डाउट को धाकड़ कॉन्सेप्ट के टेलीग्राम ग्रुप पे, जो ऑफिशियल धाकड़ कॉन्सेप्ट का टेलीग्राम ग्रुप है, या व्हाट्सएप ग्रुप पे, या ऑफिस में फोन करके, जैसे भी आपको सुटेबल हो, आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। हालांकि आपका डाउट सेशन भी रखा जाएगा, उसमें आपके सारे डाउट्स इकट्ठे करके, सारी डाउट क्लास लेके, उसको आपके जितने भी डाउट्स बनेंगे सबको क्लियर किया जाएगा। तो जितने भी डाउट्स हैं सबको इकट्ठा कर लीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो ही डाउट्स आएंगे। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डाउट्स आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करो उतना, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश आपको ईजी हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अपने डाउट्स धाकड़ कॉन्सेप्ट के पास पहुँचाइए, आपके हर एक डाउट का सोल्यूशन किया जाएगा, आपकी हर एक क्वेरी का सोल्यूशन दिया जाएगा, आपके हर एक कन्फ्यूजन को फ्यूज किया जाएगा। बस करना क्या है, प्रैक्टिस कीजिए और पूछिए, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे पूछिए, टेलीग्राम पे पूछिए, धाकड़ कॉन्सेप्ट का जो भी ग्रुप आपको दिया गया है, बताया गया है ना, चाहे वो व्हाट्सएप वाला हो, चाहे वो टेलीग्राम वाला हो, चाहे आप डाउट क्लास में आइए, डाउट क्लास में पूछिए, लेकिन अपनी क्वेरी को बिल्कुल अपनी सॉल्व कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, इसी एनर्जी के साथ, ठीक है। चलिए चलते हैं, बाय, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।